तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पिक्सआर्ट में अपना कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल आराम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कस्टम फॉन्ट ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई जान। और यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट, मतलब यहाँ पर मैंने ऐड किया है, ये कुछ कुछ पहले से ही होते हैं और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे फॉन्ट ऐड करने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले चले जाना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फॉन्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है, शायद आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डी ए फॉन्ट, मतलब डा फॉन्ट सर्च कर लेना है यहाँ पर। जैसे सर्च कर लेंगे, वो थोड़ा मतलब नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया है यहाँ पर डा फॉन्ट। तो उस पर सिंपली से क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट, मतलब आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा आप सभी लोगों के सामने। और जैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है देखिए। तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ पर। अब यहाँ से सारे फॉन्ट सर्च कर सकते हो, मतलब आपको जो चाहिए वो सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्नो वाला एक लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली से टेक्नो में चले जाना है। यहाँ पर साईफाई लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट आ जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए स्टार जेडी, यहाँ पर इन्फिनाइट बियॉन्ड और बैटमैन फोर्ट, क्या है फोर्ट, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो फॉन्ट आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा तो डाउनलोड कर लेना है। ये मैं बैटमैन फॉरएवर यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप सभी लोगों को जो फॉन्ट अच्छा लगेगा तो आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद 4-5 फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी लोगों को सिंपली सी अपने फोल्डर पर चले जाना है, अपने डाउनलोड वाली फोल्डर जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ होगा। तो फाइल मैंने, अगर आप फोल्डर के अंदर जाएंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सब एक काम करना है आप सभी लोगों को, फाइल मैनेजर पे चले जाना है यहाँ पर। वहाँ पर एक डाउनलोड शो हो रहा है देखिए, यहाँ पर डाउनलोड पे चले जाना है। तो जो भी सबसे पहले आप डाउनलोड कर चुके होंगे तो सबसे पहले निकलेगा, मतलब इसको सिंपली सी मूव कर लेना है, सिलेक्ट करके मूव कर लेना है। और फिर अपने फ़ोन स्टोरेज पे चले जाना है, यहाँ पर कुछ एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉन्ट वाला फोल्डर बना चुका हूँ यहाँ पर, ये फॉन्ट्स नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पर मैंने मूव कर दिया है उसको। तो मूव कर लेने के बाद उस फॉन्ट वाले फोल्डर पे मैं चले जाता हूँ। तो यहाँ पर फॉन्ट पे चले, तो सिंपली से इसको सभी, मतलब फॉन्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने फोल्डर पर। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है सभी फोल्डर को। तो आपको एक एक करके जितने भी डाउनलोड किए होंगे तो सबको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद, क्योंकि ये जीप फोल्डर है, मतलब जीप फॉन्ट है, तो जीप को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे फॉन्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। फिर अपने पिक्सआर्ट पे चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए भाईजान आर्मी, यहाँ पर मेरा चैनल का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देखना है आप सभी लोगों को, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद तुरंत ऐड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली से वो एरो वाले को छू देना है, टच करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर माय फॉन्ट पे चले आना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट ऐड किया है, तो यहाँ पर ऐड फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपका फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने फोल्डर पे चले जाना है, जिस फोल्डर में आपने अपने फॉन्ट को रखा है। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स वाले फोल्डर में रखा है।
तो मैं ढूंढता हूँ थोड़ा, कहाँ गया कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर होगा शायद। हाँ ये ऊपर यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर ये चार फोल्डर है, मैंने चार फॉन्ट डाउनलोड किए थे, तो यहाँ पर मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी फॉन्ट का नाम लास्ट आखिरी में TTF लिखा होगा तो इसको क्लिक कर देना है और ऐड कर देना है। तो ऐसे ऐसे सारे फॉन्ट को आप सभी लोगों को ऐड कर देना है, ऐड फॉन्ट करके। सारे फॉन्ट को मैंने ऐड कर दिया है, तो आप सब लोगों को ऐसे ही ऐड कर देना है सभी फॉन्ट को। तो मेरे सारे फॉन्ट ऐड हो चुके हैं, और तो देखते हैं क्या होता है, अगर आपकी साइड में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है सभी लोगों, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिसने भी फॉन्ट सिलेक्ट किया है यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे करके आप सभी सारे फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, जितने भी चाहे फॉन्ट डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।